नमस्कार, द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मन करता है कुछ चटपटा स्पाइसी सा खाने का, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो ऑयली भी ना हो। तो आज मैं उसी रूम में आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान सी मसाला पाव की रेसिपी, जो बिल्कुल आपको तवा पाव भाजी का टेस्ट देगा और आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार जरूर बनाएंगे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मसाला पाव बनाना। टेस्टी मसाला पाव बनाने के लिए चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि हमें मेन क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट लिए हैं, थोड़ा हरा धनिया है, ये 1 कैप्सिकम बारीक कटी हुई, ये 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब इसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 1 नींबू का रस और ये सबसे मेन पाव भाजी मसाला। बाकी की जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मसाला पाव को बनाना। इसके लिए मैंने इस टाइप के पैन को गैस पे रख लिया है। आप चाहे तो तवा भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई बड़ा तवा हो। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल और इसी में डालूंगी मैं 1 छोटे टिक्के बटर की। अगर हम बटर डायरेक्ट डाल देते हैं तो बटर जल जाता है, इसलिए इसके साथ ऑयल जरूर डालना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा ही डालें। अब जैसे ही ये मेल्ट होगा सबसे पहले इसमें डाल दें 1 पिंच हींग। अब आप डालें 1/2 चम्मच जीरा। जैसे ही हमारा जीरा तड़केगा मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैं हल्का सा भून लूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई प्याज और इस प्याज को भी हल्का गुलाबी होने तक मैं भून लूंगी। ये मसाला पाव की जो ये भाजी है ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, ना कोई ज़्यादा झंझट आपको करना पड़ेगा और टेस्ट इसका बिल्कुल पाव भाजी जैसा आएगा। प्याज को आप थोड़ा अच्छे से भूने तभी ये एकदम अच्छा खुशबूदार मसाला बनकर तैयार होगा। देखिए हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी गुलाबी होने लगी है। अभी इसी स्टेज पर आप डाल दें इसमें बारीक कटी हुई कैप्सिकम और इन्हें भी आप प्याज के साथ भून लें। देखिए हमारी प्याज और कैप्सिकम भुन चुकी हैं। अब इस स्टेज पर डालते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और अब इसमें डाल दूंगी मैं 2 चम्मच पाव भाजी का मसाला और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और इन सभी को बस मैं 1 मिनट के लिए भून लूंगी। बिल्कुल हल्का सा पानी मैं इसमें डाल दूंगी जिससे हमारे मसाले जले नहीं। देखिए हमने इन मसालों को 1 मिनट भून लिया है और अब इस समय मैं डाल दूंगी इसमें बारीक कटे हुए टमाटर और टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक। अब आप चाहें तो थोड़ा गैस का फ्लेम कम करके 2 मिनट के लिए इन सारी चीजों को ढक दें जिससे हमारे टमाटर अच्छे से एकदम मशी हो जाएंगे। देखिए करीब 2 मिनट हो गए हैं हमने इन्हें ढक दिया था और हमारे टमाटर भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। अब मैं इस स्टेज पर डाल दूंगी 1 बारीक उबला हुआ मैश किया हुआ आलू। ये टोटली ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालें। और अब इसमें डाल दें 1 नींबू का रस और पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब आप क्या करें, 1 पाव भाजी मैशर लें और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैश कर लें। देखिए अच्छे से मैश कर लिया है हमने और एक टैंगी से टेस्ट देने के लिए अब मैं इसमें डाल दी हूँ लास्ट में 1 चम्मच टोमेटो सॉस का और लास्ट में थोड़ा सा बटर और डाल दें आप, क्योंकि बटर बिना तो पाव भाजी का मजा ही कुछ नहीं है। लीजिए हमारे पाव के लिए एकदम मसाला भाजी बनकर तैयार है। अब इसमें डाल दें आप थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस तरह से 2 जुड़े हुए पाव को ले लिया है और मैं इन्हें सेंटर से कट कर लूंगी, लेकिन पूरा अलग नहीं करूंगी। देखिए इस तरीके से इन्हें खोल लूंगी। अब मैंने उसी पैन को गैस पर ले लिया है और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बटर। जैसे ही हमारा बटर पिघलेगा इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा 1 चुटकी पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इन्हें बस हल्का सा भून लूंगी और अब इस पर मैं इन कटे हुए पाव को सेक लूंगी अच्छे से।
और इन्हें मैं अच्छे से इस मसाले के साथ रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा बटर ऊपर से भी लगा दें। बस इन्हें 2-3 मिनट हल्का सा कुरकुरा होने तक मसाले के साथ रोस्ट करें आप, और इस तरीके से पलट लें। पलट कर भी हल्का सा रोस्ट करें। आपका पाव सिक कर तैयार है। अब आप इसमें जो आपने वो तवा भाजी बनाई थी वो लगा दें। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालें और आप इन्हें इस तरीके से कवर कर दें। देखिए आपके चटपटे मसाला पाव एकदम सर्व के लिए रेडी हैं। देखिए दोस्तों, हमारे चटपटे मसाला पाव बनकर रेडी हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस बारिश के मौसम में बनाइए ये चटपटे मसाला पाव। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।